वेलकम बैक स्टूडेंट्स। तो देखिए, आज की अपनी इस वीडियो में हम एक इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन से होगा आपका। हम आपको आज की वीडियो में सिखाएंगे कि किस तरीके से किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व किया जाता है बाय द मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वेयर। तो कंप्लीटिंग स्क्वेयर मेथड से किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स आप कैसे फाइंड आउट करेंगे, उसको आज हम समझेंगे इस वीडियो के अंदर। तो जरा देखिए, इस तरीके से आपको कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी हो तो सबसे पहले हम उसमें क्या करते हैं, जो एक्स स्क्वेयर का जो कोफिशिएंट है उसको वन बनाते हैं। यहां पर थ्री दे रखा है तो हम क्या करेंगे, यहां से थ्री कॉमन ले लेंगे आपका। तो थ्री कॉमन ले लेंगे, यहां पे हो गया एक्स स्क्वेयर। अब यहां पे तो थ्री है ही नहीं। आप ध्यान से समझे भाई, आपके पास दे रखी है दो टर्म, ए बी प्लस ए स्क्वेयर। जब आप दोनों में से ए कॉमन ले रहे हैं, मतलब कॉमन लेने का जो कंसेप्ट है वो ये है कि आप उस टर्म से दोनों को डिवाइड कर रहे हैं, वो होगा ए स्क्वेयर बाई ए प्लस ए बी बाई ए। तो यहां पे आ गया ए से ए कैंसिल हो गया, ए प्लस बी। अब आप वैसे कॉमन ले ले, यहां से ए आ गया तो यहां बचेगा ए और यहां पर बी। मतलब जब भी आप किसी टर्म में से कोई टर्म कॉमन ले रहे हैं, दैट मींस आप उस टर्म से पूरी उस इक्वेशन को डिवाइड कर रहे हैं। तो यहां से हम थ्री कॉमन ले रहे हैं, मतलब थ्री से डिवाइड कर रहे हैं, तो यहां जाएगा फोर बाई थ्री एक्स माइनस यहां बचेगा फाइव इज इक्वल टू जीरो। तो ये आई है वैल्यू आपके पास। अब यहां पर ये थ्री मल्टीप्लाई में इधर जाके डिवाइड में हो जाएगा एंड जीरो बन जाएगा। एक्स स्क्वेयर प्लस फोर बाई थ्री ऑफ एक्स माइनस फाइव इज इक्वल टू जीरो। अब यहां पर जो एक्स का कोफिशियंट है उसको विद साइन आपको ले लेना है फोर बाई थ्री। एंड यहां पर अब आपको इसमें क्या करना है, इसका हाफ करना है। तो यहां इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, दैट इज फोर बाई सिक्स। फिर इसका क्या करना है, स्क्वेयर। आई रिपीट, पहले x का कोफिशियंट लेंगे, उसका आधा करेंगे, उसको 2 से डिवाइड करेंगे एंड उसका स्क्वेयर कर देंगे। तो स्क्वेयर क्या मिल रहा है हमें यहां पर, x स्क्वेयर प्लस 4 बाई थ्री एक्स, उसके स्क्वेयर को ऐड करेंगे एंड उसी को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ध्यान से देखिए, उसी टर्म को ऐड किया है, उसी को सब्ट्रैक्ट किया है, ऐसा हम कर सकते हैं। इस 4 बाई थ्री को मैं ऐसा लिख सकता हूं, 2 इंटू 4 बाई सिक्स इंटू यहां पर आपका हो जाएगा x प्लस 4 बाई सिक्स का स्क्वेयर, और यहां पर इन दोनों टर्म्स को इधर ले जाएं तो 5 प्लस 16 बाई 36। ध्यान से देखें, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2ab, तो इसको आप लिख सकते हैं a प्लस बी का होल स्क्वेयर आपका। एंड यहां पर जब आप इसका एलसीएम लेंगे तो वो आ जाएगा आपका 36। 36 की इससे मल्टीप्लाई होगी आपकी, तो ये आ जाएगा 180 प्लस 16, दैट मींस 196 बाई 36। इस स्क्वायर को इस तरफ ले जाएंगे तो x प्लस 4 बाई 6 का इसका रूट हो जाएगा 196 अपॉन 36। 196 का रूट होता है 14 एंड यहां पर 6 प्लस माइनस। जब स्क्वेयर रूट को हटाते हैं तो वैल्यू प्लस माइनस में मिलती है। तो एक बार तो हम इसके बराबर में प्लस का सिंबल ले लेंगे एंड एक बार हम यहां पर ले लेंगे माइनस का सिंबल आपका। इसको इधर ले जाएंगे तो माइनस 14 बाई 6 प्लस 14 बाई 6 माइनस 4 बाई 6, ये हो जाएगा 10 बाई 6, दैट मीन्स 5 बाई 3। तो एक तो x की वैल्यू आ रही है आपके पास 5 बाई 3 एंड इसको इधर ले जाएंगे तो x इज इक्वल टू माइनस 14 बाई 6 माइनस 4 बाई 6 आपका प्लस 4 बाई 6। माइनस 18 बाई 6, 6 से 3 टाइम्स कैंसिल हो गया तो x की वैल्यू 1 आई है आपके पास माइनस 3। तो यहां पर आपके पास x की दो वैल्यूज आ रही हैं, एक तो 5 बाई 3 एंड दूसरी क्या आ रही है आपके पास माइनस 3 आ रही है। तो इस मेथड, इस तरीके से हम किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बाय कंप्लीटिंग स्क्वेयर मेथड सॉल्व कर सकते हैं।